हैं, कैसे हैं आप लोग। सो आज का लेसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज के लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं बोरोड कॉर्ड के बारे में। तो बहुत बार आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आप लोग किसी सॉन्ग को सुन रहे हैं और आप लोगों को पता चलता होगा कि इस सॉन्ग में जो स्केल है उसके बाहर के कुछ कॉर्ड्स लगे हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि गुलाबी आँखें, उसमें जो कॉर्ड्स लगे हैं वो लगे हैं ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर एंड ई मेजर। तो ये जो ई मेजर कॉर्ड है ये स्केल के अंदर का कॉर्ड नहीं, स्केल के बाहर का कॉर्ड है। जो ए माइनर स्केल में ई से रिलेटेड कॉर्ड होता है वो होता है ई माइनर, ना कि ई मेजर। तो ये कॉर्ड इसके अंदर कैसे आया, कैसे जिसने ये सॉन्ग बनाया उसने ये बाहर का कॉर्ड अंदर लाके इसको ऐसे इतना अच्छा सिंक्रोनाइज किया कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि स्केल के बाहर का कॉर्ड है। और सिर्फ इस सॉन्ग की बात नहीं, आप लोग चाहें तो बहुत सारे सॉन्ग्स ले सकते हैं। दर्शन रावल का जो सॉन्ग है मेरे निशा, उसमें भी सेम ही प्रोग्रेशन लगा है। तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये कैसे करते हैं, वैसे तो बहुत सारे वेज है कि हम लोग कैसे बाहर के कॉर्ड्स अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उसमें से एक जो वन ऑफ द बेस्ट है वो है बोरोड कॉर्ड, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो अगर आप लोग म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं या फिर सॉन्ग्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप लोग ज़्यादा डीप डाइव करना चाहते हैं म्यूजिक थ्योरी में, तो इस लेसन को एंड तक जरूर देखना, आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेसन स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब मार दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज रेगुलर बेसिस पर लाते रहता हूँ। ऐसी थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों को और हिंदी चैनल्स पर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं। और मेरे गिटार कोर्स भी जैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम फाउंडेशनल गिटार कोर्स। अगर आप ऐसे एक गिटारिस्ट हैं जिसको हल्का फुल्का स्ट्रमिंग और कॉर्ड्स मारने आते हैं, बट आप वो आगे ग्रो करना चाहता है, नई नई चीज़ सीखना चाहता है म्यूजिक में, तो वो बिल्कुल उसे ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने फाउंडेशन से कराना स्टार्ट करा था, और अभी तक हम लोग करीब 60 वीडियोस कर चुके हैं और हम लोग इंटरमीडिएट से हल्के से ऊपर लेवल तक पहुंच चुके हैं। सो अगर आप लोग चाहते हैं उस लेवल तक पहुंचना, वो भी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करते हुए, तो आप लोग मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के जस्ट साइड में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उसमें क्लिक मार के आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को देखना वहाँ पर कैसी वीडियोस अपलोड हो रही, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में पेड मेंबर्स वीडियोस में, और वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं इसके टाइटल्स क्या, वहाँ पर वीडियोस आ रही हैं। लेसन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है बोरोड कॉर्ड। सो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बोरोड कॉर्ड के मीनिंग क्या है थ्योरेटिकली, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं और यूज़ करते हैं गिटार में। तो बोरोड कॉर्ड वो कॉर्ड्स है जिन कॉर्ड्स को आप लोग बोरो करते हैं किसी पैरेलल मोड से। अब यहाँ पर एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि पैरेलल मोड क्या है। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों में ऐसा आप लोगों को पता होगा कि मोड एक अलग टॉपिक है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, बट अभी इस लेसन को समझने के लिए आप लोगों को मोड की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज का लेसन मैं सिंपल रखने वाला हूँ, ये पार्ट वन है, तो इसमें ज़्यादा मैं आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेसन में हम लोग सारे मोड्स की बात करेंगे, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं मोड के वो देखेंगे। आज के लेसन में हम लोग सिर्फ एक टाइप की मोड की बात करने वाले हैं, जो कि है आयलियन मोड। सो अगर आप लोगों को मोड की नॉलेज भी ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आयलियन मोड माइनर स्केल होता है, ठीक है। तो जो मेजर स्केल है और माइनर स्केल, अगर आप लोगों को इतनी नॉलेज है तो आप लोग गुड टू गो इस लेसन के लिए, इस लेसन को पूरा एंड तक देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, जो मेजर स्केल है उसका रिलेशन माइनर स्केल के साथ बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे सी मेजर है, सी मेजर के कॉर्ड्स को कैसे हम लोग सी माइनर में, या फिर जो सी माइनर के कॉर्ड्स हैं उन्हें कैसे हम सी मेजर में इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। सिंपल से अगर मैं लैंग्वेज में कहूँ तो आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, और इसको आप लोग रिलेटिव माइनर से कंपेयर मत करने लगना। सी मेजर का रिलेटिव माइनर सी माइनर नहीं होता, ए माइनर होता है, ठीक है। तो पैरेलल मोड एक अलग कंसेप्ट है, रिलेटिव माइनर एक अलग कंसेप्ट है। जो रिलेटिव माइनर कॉर्ड्स होते हैं उनमें दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कॉर्ड्स होते हैं, सेम कॉर्ड्स होते हैं, तो इंटरचेंज करने की कोई बात ही नहीं है। पैरेलल मोड में आप लोगों के डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं, जैसे सी मेजर के अपनी कॉर्ड फैमिली है, सी माइनर की अपनी कॉर्ड फैमिली है, दोनों की कॉर्ड फैमिली अलग है। अब आप लोगों को दोनों की कॉर्ड फैमिली साइड में लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सी मेजर में कौन से कॉर्ड्स हैं और सी माइनर में कौन से कॉर्ड्स हैं, ठीक है। सी मेजर में आप लोगों के कॉर्ड होते हैं सी मेजर, डी माइनर, ई माइनर, एफ मेजर, जी मेजर, ए माइनर, बी डिमिनिश्ड एंड सी मेजर। और सी माइनर में आप लोगों के कॉर्ड्स होते हैं सी माइनर, डी डिमिनिश्ड, ई फ्लैट मेजर, एफ माइनर, जी माइनर, ए फ्लैट मेजर और बी फ्लैट मेजर। तो आप लोग इन सात के सात कॉर्ड्स को, जो ऊपर वाले मेजर के साथ कॉर्ड है, जो नीचे वाले मेजर के साथ कॉर्ड है, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही पॉपुलर एक प्रोग्रेशन लेने वाले हैं, जो कि होता है हमारा सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर एंड जी मेजर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सॉन्ग्स भी आप लोगों की, ये एक तरीके का हल्का सा हैप्पी वाला साउंड देता है मेजर, अब हम लोग को ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग बहुत सारे सॉन्ग से आते हैं, जैसे कि ये पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा इसी सॉन्ग में बजाए, और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो स्कॉर्ड प्रोग्रेशन में बजे, बट हम इस स्कॉर्ड प्रोग्रेशन को कुछ अलग सा फील देना चाहते हैं। हमारे पास सिर्फ 6 से 7 कॉर्ड होते हैं एक स्केल में यूज़ करने के लिए, जैसे आप लोगों को सी मेजर के 7 कॉर्ड्स दिख रहे हैं, इन्हीं में से आप लोग कोई कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग स्केल के अंदर रहना चाहते हैं। बट अगर आप लोग स्केल के बाहर निकलते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे कॉर्ड्स मिल जाते हैं और अलग अलग टाइप के इमोशंस मिल जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी मेजर लगाएंगे फर्स्ट कॉर्ड, ए माइनर लगाएंगे, बट थर्ड कॉर्ड हम एफ की जगह क्या लगाएंगे, ए फ्लैट,
जो कि हमारे सी माइनर में हमारा सिक्स कॉर्ड होता है। तो अगर आप लोग देखें सी माइनर में ए फ्लैट हमारा सिक्स कॉर्ड है और उसके बाद हम लोग लगाएंगे जी मेजर जो कि खुद सी मेजर का वापस से कॉर्ड है। तो अगर हम इसे प्ले करके देखें तो देखना कितना अच्छा साउंड करेगा और एक अलग सा साउंड करेगा। मेजर की तरह साउंड नहीं करेगा, माइनर की तरह साउंड नहीं करेगा, एक अलग साउंड करेगा। बट ऐसा नहीं कि मिक्स नहीं हो सकता, बिल्कुल प्यारी तरीके से मिक्स होगा। इसको ध्यान से सुनना। कैसे ये जो कॉर्ड था, जो बाहर का कॉर्ड था, इसको हमने अंदर मिक्स कर लिया। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज़ ये सी एक तरीके के मोड के अंदर के कॉर्ड्स हैं। हम लोग इसे सी माइनर लेकर नहीं चलते। पहली बात आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो सी माइनर होता है वो अलग सा एक अपना स्केल नहीं होता है। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो सी मेजर है उसे हम सी आयनियन मोड कहते हैं और उसी से ये सारे मोड बने होते हैं जो दूसरे मोड्स होते हैं। तो आप लोगों को इनको डिफरेंशिएट करने की जगह इनको एक साथ लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस दो मोड्स जो सी आयनियन है और जो सी आप लोगों का एलियन मोड है, इन दोनों के बीच के जो कॉर्ड्स हैं उन्हें इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बस सिंपल सा हम काम कर रहे हैं। अब जैसे आप लोग दूसरे कॉर्ड्स पे इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ए फ्लैट को करा, अब हमारे पास एक इसी के नेक्स्ट कॉर्ड देख सकते हैं आप लोग सी माइनर में बी फ्लैट भी है। हम लोग चाहे बी फ्लैट को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, हम लोगों ने प्ले करा सी मेजर, जी मेजर, एफ मेजर एंड देन बी फ्लैट मेजर। तो ये आप लोग कोई से भी कॉर्ड के साथ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को ए फ्लैट करके दिखाया, बी फ्लैट करके दिखाया, आप चाहे एफ माइनर भी कर सकते हो कुछ ऐसे। अब आप लोगों को एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि म्यूजिक आप लोगों का कोई रूल नहीं होते। जब तक हमारा क्लासिकल म्यूजिक था जो कि बहुत पुराना है, तब तक हमारे सेट ऑफ रूल्स होते थे कि स्केल के अंदर रहना है ये सब। अभी भी आप लोग देखेंगे तो क्लासिकल जो म्यूजिक होता है उसमें हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, बट जब से जैज और ऐसे जॉनर्स की आप लोगों की स्टार्टिंग हुई तब से हम लोग बाहर के कॉर्ड्स को भी अंदर इंट्रोड्यूस करने लगे। तो वहाँ से ही ये चीज़ें डेवलप हुई और वहाँ से ये बोरोड कॉर्ड का एक आप लोगों का कंसेप्ट आया। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जब आप लोग ये चीज प्ले कर रहे हैं तो आप लोग हल्का सा जैज की तरफ जा रहे हैं, हल्का सा कॉर्ड्स स्केल के बाहर की तरफ झांक के देख रहे हैं कि अगर हम स्केल के बाहर जाते हैं, अगर हम लोग लाइन क्रॉस करते हैं जो म्यूजिक थ्योरी की कुछ लाइंस हैं स्केल के अंदर की, तो कितना हम लोग नई नई चीज़ें इन्वेंट कर सकते हैं। तो म्यूजिक इज ऑल अबाउट इन्वेंशन। आप लोग क्या चीज़ें खुद से इन्वेंट कर सकते हैं और वो अच्छी साउंड करनी चाहिए, बस ये क्राइटेरिया है कि अच्छी साउंड करनी चाहिए। और आप लोग ध्यान दें तो ये अच्छा साउंड कर रहा है। अब आप लोग देख रहे हैं मैंने एफ मेजर भी मारा, एफ माइनर भी मारा, बट वो कितना उतना अजीब नहीं लगा बिकॉज एक सी मेजर के साथ रिलेशन इन सब का है जुड़ा हुआ, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता है कि मोड की वजह से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और अगर आप लोग ये चीज़ समझ गए तो आप लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉर्ड पोजीशन बना सकते हैं। फिर आप लोगों के पास सेवन कॉर्ड नहीं हो जाती, आप लोगों के पास बहुत सारी कॉर्ड्स हो जाती हैं जिससे आप लोग चूज़ कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सी कॉर्ड इंसर्ट करनी है और ये आप लोग बहुत प्यारे प्यारे तरीके के म्यूजिक बना सकते हैं, ठीक है। इस लेसन में मैंने आप लोगों को हल्का सा बस टच दिया है, ये कुछ ज़्यादा डीप डाइविंग नहीं करा मैंने, ठीक है। बट नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग डिफरेंट मोड से ये कॉर्ड्स निकाल सकते हैं और अलग अलग टाइप के आप लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान दें तो ये जो हमने पहले प्रोग्रेशन मारा था ये बिल्कुल एक तरीके का हैप्पी हैप्पी सा था, बट जैसे हमने इसमें अलग कॉर्ड इंट्रोड्यूस करा जो कि ए फ्लैट था, एक हल्का सा थ्रिलिंग वाली आवाज आई। तो ये चीज आप लोग तभी कर सकते हैं जब आप लोग हल्के से अपने जो लाइंस बना रखे हैं, हमने बाउंड्रीज बना रखे हैं स्केल के, उसके बाहर हम लोग जंप करते हैं, ठीक है। अब आप लोग जैसे सी मेजर से हमने सी माइनर के कॉर्ड चुराए, हम लोग सी माइनर से सी मेजर के भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ सी मेजर और सी माइनर की बात करूं, ऐसा कुछ नहीं, आप लोग जी माइनर के भी कर सकते हैं, जी मेजर के भी कर सकते हैं। जैसे जी मेजर का कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन है, जैसे जी मेजर का एक कॉर्ड प्रोग्रेशन है, जी मेजर, डी मेजर, सी मेजर, डी मेजर। अब आप लोग चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं कुछ ऐसे, जी मेजर, डी मेजर, ए फ्लैट मेजर, जी मेजर। तो कुछ गलत साउंड नहीं कर रहा है, बस हल्का सा थ्रिलर सा साउंड कर रहा है, जो चीज इंसान सोच नहीं सकता उससे कुछ अलग है, और यही बेसिकली म्यूजिक है। जो इंसान इमेजिन ना कर सके उसको जो करके दिखाया, दैट इज द म्यूजिक, ठीक है। तो ये मैजिकल चीज है जो आप लोग अगर खुद से कोशिश करेंगे प्ले करने की तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, और ये आप लोग किसी भी स्किल के साथ कर सकते हैं। प्लीज कंफ्यूज मत होना कि आप लोग इस स्किल के साथ कर सकते हैं, इस स्किल के साथ नहीं।
सबके साथ कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप लोग कैसे से यूज करें। मैं अभी अब सी मेजर सी माइनर में कर रहा हूँ, आप लोग जी मेजर जी माइनर में कर सकते हैं, एफ मेजर एफ माइनर में कर सकते हैं, डी मेजर डी माइनर में कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग सिर्फ एक वे बनी कि मेजर से माइनर में नहीं, माइनर से मेजर में भी कर सकते हैं। जैसे कि सी माइनर अगर हम लोग प्ले कर रहे हैं तो सी माइनर में आप लोगों का एफ मेजर कॉर्ड नहीं आता, बट हम लोग यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, ठीक है। हम लोगों को प्ले करा सी मेजर, देन जी माइनर, देन एफ मेजर एंड देन सी माइनर। अभी मैंने दोनों कॉर्ड लगा दिए थे मेजर के, बट आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग कॉर्ड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, और यही बेसिकली कंसेप्ट है बोरोड कॉर्ड। सो जैसे कि लेसन के स्टार्टिंग में भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था इस सॉन्ग का, जो था गुलाबी आंखें, जो कि चार कॉर्ड में बजाए, ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर एंड ई मेजर, कुछ ऐसे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, हो गया मैं, जो हमने कॉर्ड प्ले किया है ई मेजर था, बट ई मेजर ए माइनर में आता ही नहीं है। कैसे, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अगर हम लोग कॉर्ड फैमिली प्ले करें ए माइनर की, तो इसमें जो कॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं सारे गा, तो जो मैं पॉप प्ले कर रहा हूं ये बेसिकली ई माइनर है, तो यहां पर हम लोग ई माइनर की जगह ई मेजर मार रहे हैं। ये हम कैसे कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग बोरो कर रहे हैं इसी के मोड से। पैरेलल मोड कौन सा हो गया, मेजर वाला, जैसे कि ए माइनर का कौन सा हो गया, ए मेजर हो गया। तो ए मेजर से हमने कैसे बोरो करा, मैं पहले आप लोगों को ए मेजर की कॉर्ड फैमिली दिखाता हूं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो ए मेजर की जो कॉर्ड फैमिली होती है वो होती है ए मेजर, बी माइनर, सी शार्प माइनर, डी मेजर, ई मेजर। तो आप लोग देख सकते हैं ई मेजर है, ए मेजर में ई मेजर आता है फिफ्थ नंबर पर, और वहां पर ई माइनर आता है। तो ई मेजर हम लोग ने यहां से उठाया था, जो कि हम लोग प्ले करते हैं गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, या फिर आप लोग ले लें मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान, मेरे निशान। तो ये जो रैली में जो सॉन्ग्स है, जो पॉपुलर सॉन्ग्स है हमारे अराउंड सराउंडिंग में, उनमें ऐसी चीज़ें लगी होती है बट हमें पता नहीं चलता, और हम लोग इग्नोर मार देते हैं। हम लोग इन कॉर्ड्स को सोचते भी नहीं कि ये कॉर्ड क्यों लगी है, बट आज हम लोगों को पता चला है कि ये बोरोड कॉर्ड की वजह से होता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप लोग कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें ये कॉर्ड यूज़ होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रेशन है। सिर्फ ए माइनर के लिए नहीं, आप लोग दूसरे माइनर से भी इसको बहुत बार यूज़ कर चुके होंगे इस प्रोग्रेशन को, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोगों ने यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वे से बताऊंगा कि कैसे हम इन कॉर्ड्स को लिखते हैं, रिटर्न कैसे करते हैं, ये सब कुछ बताऊंगा, बट उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट लेसन देखना पड़ेगा। और मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि प्लीज़ नेक्स्ट लेसन में जो मोड वाला टॉपिक था उसको पहले देख लेना, जैसे कि ये लेसन आप लोग देख लें आज, उसके बाद आप लोग मोड वाला लेसन डायरेक्टली देख लेना। दो तीन दिन बाद दूसरा पार्ट आएगा, तो उसके लिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहना, बिकॉज दूसरे पार्ट में मैं आप लोगों को मोड के बारे में नॉलेज नहीं दूंगा। मोड के बारे में नॉलेज मैं 3-4 वीडियोस में दे चुका हूं, जिसका लिंक आई बटन में है। तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए मोड की, और उसको देखने के बाद आप लोग जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखना जरूर, ठीक है। तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कितने सारे कॉर्ड्स होते हैं हमारे पास 7 कॉर्ड्स के अलावा, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये लेसन पसंद आया होगा। इस लेसन के आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, कोशिश करना कि जो आप लोगों के मेजर माइनर जो कॉर्ड्स हैं, अभी सिर्फ मेजर और माइनर में कोशिश करना कि ए मेजर है तो ए माइनर है तो ए मेजर, जी मेजर है तो जी माइनर, जी माइनर है तो जी मेजर, इनमें इंटरचेंज करके देखना कि कैसा साउंड कर रहा है। एक अच्छा सा आप लोगों को साउंड सुनाई देगा, और यही आप लोगों का म्यूजिक सेंस डेवलप करता है, ठीक है। सो होप करता हूँ आप लोगों के लेसन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं, वीडियो को लाइक मार देना मेरे को हल्का सा मोटिवेशन करने के लिए, और दूसरी वीडियोस देखने के लिए आप इनबॉक्स में क्लिक मार सकते हैं। इसमें से एक वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मोड वाला लेसन डाल दूंगा, मोड वाली प्लेलिस्ट डाल दूंगा, जिससे आप लोग वो लेसन भी देख सकें। मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले लेसन में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, बाय बाय।